जयपुर की प्राइड डिफेंस के स्टूडेंट्स के साथ मैं हूं और मेरे साथ है कोमल शेखावत। कोमल, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप यहां पे आर्मी ज्वाइन क्यों करना चाहती है और आर्मी में क्या बनना चाहती है? सर, आई वांट टू बी एट द लेफ्टिनेंट पोस्ट इन आर्मी। ओके, एंड आई एम इंस्पायर्ड बाय माय फादर। इफ आई स्पीक फ्रेंकली, आई एम इंस्पायर्ड बाय माय फादर। ही वाज फ्रॉम आर्मी एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस, दैट हाउ ही वाज फैसिनेटेड by the army, and that made me like, you have to also join army. नहीं, तो आपके फादर आर्मी में क्या थे? He was Lance Naik थे। तो आर्मी के अंदर तो बहुत कठिन काम, मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ पहाड़ों में चढ़ना और कठिनाइयाँ, तो वो उन्होंने ये नहीं बताया कि आर्मी में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसको आप किस तरह से लेती है? He has told me, उन्होंने हमेशा बताया है सर, उन्होंने हमेशा बताया मुझे। और जब कभी मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ तो ही ऑलवेज से कि तू ऐसे जाएगी क्या आर्मी में, वही चीज़ मुझे हमेशा करती है, नहीं अब मुझे ये काम तो करना ही है। पापा ऑलवेज से कि अगर जाना है, कहाँ कठिनता नहीं है, पहला तो ये कहाँ कठिनता नहीं है, हर फील्ड हर जगह कठिनता है। तो अगर और फिर अगर और मैं खुद को भी अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं खुद को इतना मानती हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मतलब मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं उन कठिनाइयों से डर कर अपना जो गोल है उससे पीछे हट जाऊँ। तो आप कौन से जिले की रहने वाली हैं? सर, झुंझुनू, जहाँ से हमारी पहली पायलट जो शहीद हुई थी किरण शेखावत, वो भी मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं कि वो भी मेरे ही जिले से हैं तो मैं क्यों नहीं। तो झुंझुनू के अंदर, तो झुंझुनू के बारे में तो एक कहावत है कि देश भर के अंदर सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाला झुंझुनू जिला है। और तो वही चीज़ तो मुझे बहुत प्रेरित करती है कि मेरे जिले से अगर निकल सकते तो मैं उसी जिले से होकर मैं अपने जिले का नाम क्यों ना रोशन करूँ, तो इसलिए। तो आप और जो देश की जो लड़कियां हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही देना चाहूँगी कि लाइक डिफेंस एक इकलौता क्षेत्र नहीं है, आप जिस भी क्षेत्र में जाएं बस अपना उसमें पूरा अच्छे से उसमें हार्डवर्क और कॉन्टिन्यूटी दोनों होनी चाहिए। किसी भी फील्ड किसी भी क्षेत्र में आप जाएँ, और डिफेंस तो बहुत, अब जैसे NDA इसी साल अलाउ किया है गवर्नमेंट ने, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लड़कियों के लिए अगर आप इसे अच्छे से यूज़ करें तो। और अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि आप यहाँ पे प्राइड डिफेंस एकेडमी के अंदर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपने प्राइड डिफेंस एकेडमी क्यों चुनी? जयपुर में तो एक से बढ़कर के एक डिफेंस एकेडमी है, तो यहाँ आने का क्या खास कारण? खास सर, मैं कुछ खास नहीं बता सकती, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ जो टीचर्स हैं वो हमें, पहली बात तो हमें पढ़ाते इतना अच्छा है कि कोई डाउट आता नहीं है, डाउट आता है तो वो इतना अच्छे से उसको वापस सॉल्व कर देते हैं, मतलब कुछ नहीं होता। प्लस यहाँ जो टेस्ट होते हैं वीकली बेसिस, हर सब्जेक्ट के वीकली टेस्ट होना, और प्लस जो प्रदीप सर हैं, मैं सच बताना चाहूँगी वो इतने प्रेरणादायक स्रोत हैं मेरे लिए, मतलब मैंने एक बार उनकी क्लास ली है और वो एक बार आए थे और इतना उन्होंने मुझे प्रेरित करा है, तो शायद कहीं और किसी और कोचिंग में शायद ना मिले, ये कोचिंग मुझे इसीलिए सही लगी और इसीलिए मैंने इसको ज्वाइन करा। तो ये कोमल शेखावती जो प्राइड डिफेंस एकेडमी के अंदर NDA की तैयारी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, और इन्होंने यहाँ के जो प्रदीप सर हैं उसकी बड़ी प्रशंसा की है, तो हम अगले वीडियो के अंदर प्रदीप सर को भी आपको दिखाएंगे कि प्रदीप सर किस तरह से मोटिवेशन देते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं। तो देखिए अगले वीडियो के अंदर प्रदीप सर का उनकी तरफ से आप मोटिवेशन स्पीच। जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर किसी शख्सियत को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।